नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड के रुड़की में अरिहंत कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा काटा। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर फीस और पेनल्टी के नाम पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 5 दिन फॉर्म फीस की लेट फीस के एवज में चेयरमैन 15,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए अलग से वसूल रहे हैं। ये भारी भरकम फाइन फीस देने में छात्र सक्षम नहीं है। वहीं छात्र छात्राओं का आरोप यह भी है कि कॉलेज प्रबंधन छात्रों से पानी पीने के एवज में भी फाइन वसूलने का काम कर रहा है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि अगर कोई छात्र कॉलेज में फोन लेकर आता है तो उसका फोन जब्त कर उन्हें फोन वापस करने के एवज में 5,000 रुपए का फाइन वसूला जाता है। हालांकि आज सभी छात्रों को अपने अपने सेमेस्टर के फॉर्म भरने थे, पर फॉर्म की फीस लेने के बाद आज किसी भी छात्र को फॉर्म भरने नहीं दिया गया और उनको लेट फीस की स्लिप थमा दी गई, वो भी कोरे कागज पर जो किसी भी तौर पर लीगल नहीं कहा जा सकता। कॉलेज के सभी छात्र कॉलेज प्रबंधन की मनमानी से इतने परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या करने की बात तक कहने लगे, पर कॉलेज प्रबंधन ना तो छात्रों की सुनने को तैयार है और ना ही मीडिया के किसी भी तरह के जवाब देने को। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूरे मामले में प्रशासन कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। रुड़की से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। लेट फीस का चार्ज लिया जा रहा है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दी गई थी और हमसे अब बोल रहे हैं कि अगर तुमने फाइन नहीं दिया तो हम तुम्हारी बैक लगाएंगे। पूरी कॉलेज को बोल दिया है और कुछ बच्चों को डर की वजह से अंदर भी बुला लिया, कुछ बच्चे डर के चले गए हैं। जी, कुछ बच्चे बहुत ही, जिनको ना बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया है इन्होंने कि तुम्हें फाइन देना ही पड़ेगा, उन पे 30-30, 25-25 हज़ार रुपये फाइन है। अब कुछ बच्चे के पेरेंट्स इतना ही पता नहीं फीस कैसे दे रहे हैं, वो फाइन कहाँ से दे देंगे, इतना तो फीस भी नहीं है जितनी इन्होंने फाइन लगा दिया है। तो बच्चे मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, इस वजह से वो सोच रहे कि हम मर ही जाएं। जी, एग्जाम था हमारा आज, नहीं हम एग्जाम में गए नहीं है, जब हमारी यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं भरने दिए, फाइनल एग्जाम ही नहीं लेने देंगे तो हम ये एग्जाम दे के ही क्या करेंगे। जैन सर, हाँ जी, टॉयलेट वो वहाँ पे ना पानी की टंकी लगी है, वहाँ पे पानी भी नहीं पीने देते हैं, हमें वहाँ पे फाइन लगाया है। बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई बच्चा अपनी फीस दे रहा है। एक बच्चा हमारे क्लास में है जिसके पापा मम्मी ने उसको कर्ज करके पैसे दिए हैं, ब्याज पे पैसे लगा के दिए हैं, अगर वो 20,000 रुपये फाइन देगा तो उसकी तो आधी फीस यही हो गई ना। अब जब बच्चे मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे नहीं देंगे, हम परसों से यहाँ पर ये तो कोई तरीका नहीं होता इस कॉलेज में पढ़ने का, ये किसी कॉलेज में भी नहीं है, ये तो मानहानि हो रही है हमारी। मोबाइल हम इतनी दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, हम दूसरे स्टेट से आ रखे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है कि हम फोन नहीं ला सकते। इस कॉलेज में शोषण होते हैं लड़कियों के साथ, सबको पता है, इस बारे में कौन नहीं जानता। इस चीज में हो चुका है, हमारी दो हमारी क्लासमेट थी एक लड़की, उसके साथ भी हुआ, तो हमें फोन लेना अलाउड क्यों नहीं है, बाकी कॉलेज में तो है, सिर्फ हम ही स्पेशल है क्या। पानी पीते हैं, पहले तो वहाँ बिल्कुल सफाई नहीं रहती है, वहाँ पानी पीने लायक मतलब है नहीं, फिर बच्चे क्या ही करेंगे, तो वहाँ पे पहले स्लिप लगा दी गई कि आपको 10 रुपए, अगर आपने पानी पिया 10 रुपए फाइन है, आपने हाथ धोए 10 रुपए फाइन है, तो फिर हम पानी कहाँ पिए जाके, अगर हम लोग घर से बॉटल नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, किसी वजह से वो भूल जाता है या किसी के पास नहीं है, तो कॉलेज में ही ना पिएगा, तो उन्होंने 10 रुपए फाइन लगा दिया। जब वो फट गया तो उसको जब रिमूव करके फिर वहाँ पे लिख दिया कि अगर आप ऐसे पानी पीते हैं तो ये फाइन है, ऐसे पानी हाथ धोते हैं तो ये फाइन है, तो ये तरीका नहीं होता। जैसे हमसे फाइन ले रहे हैं, कुछ बताया नहीं जा रहा हमसे, और हमारा फॉर्म नहीं फिल किया जा रहा, हमारी पूरी फीस क्लियर है। यूनिवर्सिटी का होता है कि हमारे जो फॉर्म फिल
करते हैं उससे पहले हमें फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है, वो हमने पूरी क्लियर कर दी। उसके बाद जब हम फीस सबमिट कर रहे हैं तब हमें फ़ाइन का बता रहे हैं कि अब तुम पे 7,000 फ़ाइन है, 27,000। कोई गरीब कहाँ से लाएगा बेचारा, घर में एक ही लड़का नहीं होता है, सबके घर में 3-4 ऐसे होते हैं, सबको पढ़ाना पड़ता है और कितनी फ़ीस हम कहाँ से देंगे। और बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं हमसे, कोई बात सुन ही नहीं रहा पहले तुमसे। अगर हम धमकी दे रहे हैं कि नहीं अब तो मैं तब से फाइन लूँगा, अब मैं ऐसे करूँगा, सर यस सर हाँ जी, और अगले साल से कह रहे हैं कि अब तो मैंने इस टाइम तक फीस ले ली 6-7 महीने में, और अगले साल 2 महीने में ही तुम्हें 70-80 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे पूरे, हम कैसे करेंगे अब। मेरी एक रिलेटिव यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में पढ़ती है, ठीक है, एडमिशन के वक्त इन्होंने ये कहा था कि लगभग कि आप कभी भी आप साल में 3 बार में आप फीस जमा कर सकते हो, ठीक है, और उसी के हिसाब से मैंने अभी एक ही बार में अभी पिछले महीने इसी महीने स्टार्टिंग मैंने जमा करा दी है फीस, लगभग 75,000 रुपये जमा करा चुका हूँ। अब उसके बाद पहले ये 6,000 इनका फ़ाइन था, ये बोल रहे थे कि 6,000 मिलेगा, उसके बाद लगा के अब इन्होंने 27,000 का बना के बका दिया कि 27,000 रुपये पहले जमा करो, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जमा होंगे। ये कहाँ का तू गए, उसके बाद कभी अटेंडेंस का फ़ाइन, ठीक है, कभी मोबाइल का फ़ाइन, हर मतलब हर दूसरे महीने फ़ाइन ही करते रहते हैं, मतलब बिल्कुल। अब इस उसमें आप कोई गरीब है बेचारा, कहाँ से लेकर आएगा इतने पैसे, अचानक में 27,000 रुपये का आप उसके ऊपर डाल दोगे, भाई नहीं तो एग्जाम नहीं होगा, पहले 27,000 रुपये जमा करा दो, तो कहाँ से ऐसा हो पाएगा। बच्चों से कहने का, वो गाय का धंधा बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर चीज़ का फ़ाइन लगा रहे हैं, मतलब कहीं आप अब एक बच्चे को, अगर कोई बच्चा अपने घर से छोटा सा मोबाइल, मैंने इनसे बात की कि आप एक कीपैड वाला मोबाइल आप अलाउ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो कोई इशू नहीं है कि आप घर से बच्चा लेके आए, कम से कम इतना तो पता रहे कहाँ है उस, वो भी अलाउ करने को तैयार नहीं है। एक मोबाइल इन्होंने पकड़ रखा, उसका भी 5,000 रुपये यहाँ फ़ाइन के उन्होंने लगा रखे हैं कि जी 5,000 रुपये इसके जमा कराओ, वो मैंने मोबाइल अभी तक नहीं छुड़ाया, वो यहीं जमा है, ठीक है। हर चीज़ का मतलब फ़ाइन ही करते रहेंगे बस, ये शोषण किया जा रहा है। अरे पूरी तरह से आपको पता अभी पीछे किस हालत में ये लोग गुजरे हैं, इनका किस किस केस में अंदर हुए हैं, यहाँ का प्रिंसिपल भी और ये जो मालिक हैं वो भी, आपको सब मीडिया को क्या, सबको सब पता है, ठीक है। अब ठीक है इनकी राजनीतिक पहुँच अच्छी होगी, मानता हूँ होगी, तो लेकिन ये इस तरह का तो ना करें भाई। शुरुआत में अगर आपको करना है तो आप स्टार्टिंग में बता दो कि इतनी डेट तक आपको जमा करनी है, नहीं तो होगा तो प्रिपेयर पहले से रहेंगे ना हम लोग, पहले दे देंगे हम, ठीक है। अब एंड टाइम पे लास्ट पे जब आपका फॉर्म भरने का टाइम आया उस वक्त आप जब कह दोगे इतने पैसे जमा करा, तो कहाँ से लाएगा एक आदमी, तो अब क्या चाहते हो। अरे ये फ़ाइन का माफ़ हो, ठीक है, फॉर्म भरे जाएँ, ठीक है, शराफत के साथ, मतलब परेशानी बिना किसी उसके। अब बच्चे इतने मेंटली डिस्टर्ब हैं कि बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, और बैग देने की धमकी दे रहे हैं, और मतलब इतना मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है इन लोगों ने बच्चों को कि वो बस कुछ कह नहीं सकता मैं आप लोगों को। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।